यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, फिर पूछताछ करेगा ईडी। तो यूट्यूबर एल्विश यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ते हुए रेप पार्टियों में सांप के जहर में सप्लाई करने का मामला, तो ईडी ने मई 2024 में दर्ज किया था मुकदमा। 23 जुलाई को एल्विश से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तो ईडी ने बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया था। और अब एक बार फिर से ईडी जो है वो एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है। तो लगातार जो संकट के बादल है वो एल्विश यादव पर मंडरा है। वो संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एल्विश यादव से एक बार फिर ईडी की पूछताछ। बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद उसको जेल भी भेजा था। फिलहाल एल्विश यादव जमानत पर बाहर है, इसके कई साथियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस प्रकरण को देखते हुए ईडी ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद एक दौर की एल्विश यादव से पूछताछ तकरीबन 7 घंटे की हो चुकी है। एल्विश यादव के जो अन्य करीबी हैं उनसे भी एक एक बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। आज दोबारा से ईडी उन सवालों के जवाब तलाशेगी जिन सवालों के जवाब पहली बार में एल्विश यादव द्वारा नहीं दिए गए थे। एल्विश यादव के पास मौजूद संपत्ति, महंगी गाड़ियां और उसके बैंक खातों में मौजूद पैसा कहीं ना कहीं रेव पार्टियों से कनेक्ट होता हुआ ईडी के अफसरों को दिखाई दिया था। उसी के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। रेव पार्टियों में सांप, उसके जहर की तस्करी करना और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग फार्म हाउसों में रेव पार्टियां करना, वहां पर सांप के साथ वीडियो फिल्माना, इस तरीके के तमाम संगीन आरोप एल्विश यादव के ऊपर लगाए गए थे जो नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी तरीके के आरोप ईडी की एफआईआर में भी लगाए गए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि एल्विश यादव अपनी तरफ से किस तरीके की देता है, लेकिन ईडी द्वारा मुकदमा दर्ज करे जाने के बाद ही एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और अब हर एक संपत्ति और हर एक महंगी गाड़ी का हिसाब एल्विश यादव को देना होगा कि कहां कहां से क्या अर्निंग सोर्स है इन गाड़ियों को। और तो आज की जो पूछताछ है इसको किस तरह से देखा जाए अमित, क्योंकि हम अगर बात करें 23 जुलाई को भी एल्विश यादव से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी जिसमें बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा जुटाया गया था। तो आज क्या कुछ सवाल हो सकते हैं ईडी की तरफ से एल्विश यादव के सामने? देखिए, पूछताछ आज भी लंबी चलेगी और ईडी जब भी किसी मामले की पूछताछ करती है तो उसकी जड़ तक, गहराई तक जाती है। जो जवाब एल्विश यादव ने पिछली पूछताछ में दिए थे उन जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है, लिहाजा एल्विश को दोबारा बुलाया गया है और दोबारा बुलाकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो संपत्ति कमाने का सोर्स एल्विश यादव द्वारा ईडी को बताया गया था उन सवाल और जवाबों में कहीं ना कहीं मिलान नहीं हो पाया, लिहाजा दोबारा पूछताछ। ठीक है, हमें बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।